फिल्म की शुरुआत में हम एक पति पत्नी नेम जेमी और माया को देखते हैं, जो खुशी खुशी साथ में रहा करते थे। अब इसी बीच माया को टेस्ट करने पर पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जिस बात को वो तुरंत जेमी से बताती है, जिससे वो काफी खुश होता है। और फिर इस खुशी को मनाने के लिए वो पास ही की एक दुकान में वाइन के लिए चले जाते है, पर दुकान के बाहर कुछ गुंडे उनका रास्ता रोक लेते है, लेकिन जेमी उन्हें नजरअंदाज करके दुकान के अंदर चला जाता है। फिर इसके बाद जब वो वाइन लेकर बाहर आता है, तो वो गुंडे फिर से उसे परेशान करने की कोशिश करते हैं, जिन्हें वो इस बार गुस्से में काफी बुरा भला कहता है, जो चीज उन गुंडों से बर्दाश्त नहीं होती। इसे वो जेमी का उसके घर तक पीछा करते हैं, और फिर घर पहुंचते ही वो लोग घुसकर जेमी को मारने लगते हैं। इस दौरान माया वॉशरूम में होती है, जो बाहर मारपीट की शोर सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाती है, इसलिए वो तुरंत पुलिस को फोन कर देती है, जिस बीच वो गुंडे दरवाजा तोड़कर उसे भी बाहर खींच लेते हैं, और फिर वो उसे भी बुरी तरह से मारने लग जाते हैं, जो देख बेचारा जेमी अब उनसे विनती करता है कि वो माया को छोड़ दे, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते। इसी बीच माया के हाथों एक चाकू लग जाता है, जिसे देखकर वो लोगों को गुस्से दूर रहने के लिए कहती है, जो देखकर गुंडे से गुंडे को उस पर काफी गुस्सा आ जाता है, पर इससे पहले कि वो माया को कुछ कर पाते, पुलिस की सायरन सुनते ही वो लोग भाग पड़ते है, लेकिन इस हादसे के बाद माया और जेमी काफी डर जाते है, जिसी के साथ ये सीन यही कट हो जाती है। अब अगले सीन में हमें कुछ महीनों बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ हम एक गांव में एक बूढ़ी औरत को मरा हुआ देखते हैं, जिसकी लाश को कुछ लोग वहाँ से उठाकर ले जा रहे होते हैं। जिस दौरान हम वहीं पर एक छोटा सा गेट भी देखते हैं, जिसके अंदर से कोई ये सब देख रहा होता है। अभी आखिर कौन है ये हमें मूवी में आगे जानने को मिलेगा। फिर इसके बाद हम माया और जेमी को साथ में कहीं जाते हुए देखते हैं, जिनके बातों से हमें पता चलता है कि वो लोग उसी औरत के घर रहने के लिए जा रहे हैं, जिसकी मौत हाल ही में हुई है। दरअसल जेमी का उसकी आंट के अलावा परिवार में कोई दूसरा नहीं था, जिस कारण उनके मरने के बाद उनकी सारी संपत्ति जेमी के नाम हो गई। और क्योंकि वो और माया उस हादसे के बाद से कोई कुछ जगह पर सुरक्षित नहीं समझते थे, इसलिए यहाँ रहने का मौका मिलते ही दोनों तुरंत यहाँ आने के लिए तैयार हो जाते हैं। साथ ही अब माया जल्दी एक बच्चे को जन्म देने वाली थी, इसलिए यहाँ गांव में रहना उसके लिए बेहतर होगा। अब यहाँ पहुँचने के बाद ये लोग आंट के बड़े से घर को देखकर काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये अब इनका घर हो चुका था, जिसके बारे में जब दोनों बातें कर ही रहे होते कि तभी वहाँ पर आंट की दोस्त मैरी आ जाती है, जो जेमी से बताती है कि उसकी आंट काफी अच्छी स्वभाव वाली महिला थी, और जब उन्होंने अपने पति के साथ अपनी बच्ची को भी निमोनिया के कारण खो दिया, तो वो बहुत उदास रहने लगी। आगे बात बताते हुए मेरी जेमी और माया को घर के पीछे के बगीचे की तरफ ले जाती है, जहां हम उसी दरवाजे को देखते हैं जो हमें मूवी में पहले देखने को मिला था। उस दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए मेरी बताती है कि इसके अंदर कुछ छोटे अजीब क्रिएचर्स, जिन्हें रेडहेड्स कहा जाता है, वो रहते हैं, और तुम्हारी आंट रोज इन्हें खाने के लिए मार दिया करती थी, क्योंकि जब उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, तो यही रेडहेड्स उनके अकेलेपन में उनके साथी बने। इसके आगे बताते हुए मेरी कहती कि उसकी आंट की आखिरी इच्छा थी कि उसके मरने के बाद जो भी इस घर में रहे, वो भी उन्हीं की तरह रेडहेड्स के लिए खाने को वही मांस के टुकड़े रखे, जो बाहर सुनकर जेमी और माया दोनों को ही काफी अजीब लगता है। लेकिन बात को टालने के लिए माया मेरी से यूं ही कह देती है कि वो यहाँ रोज खाने के लिए मांस रख दिया करेगी। अब इस बात से खुश होकर माया वहाँ से चली जाती है, जिसकी जाने के बाद दोनों घर की सारी सफाई करने में लग जाते हैं। अब क्योंकि ये घर पुराना था, इसलिए वो फैसला करते हैं कि इस घर को वो रेनोवेट करवाएंगे, इसलिए अब ये लोग पास ही की दुकान से कुछ सामान लेने के लिए जाते हैं, जहाँ का मालिक जेमी से कहता है कि उसकी आंट बहुत ही अच्छी इंसान थी, इसलिए वो उनसे सामान के पैसे नहीं लेगा, जिस बात से दोनों काफी खुश होते हैं। फिर ये लोग एक बार में जाते हैं, जहाँ सभी इनका स्वागत करते हैं, क्योंकि ये इस जगह पर नए थे। यहाँ इनकी मुलाकात रॉय नाम के एक बूढ़े आदमी से भी होती है, जो इनसे बातों ही बातों में सवाल करता है कि इन्होंने अपने घर के रेनोवेशन का काम आखिर किसको दिया है। इस पर जेमी उसे कहता है कि उसने चार्ल्स नाम के आदमी को इस काम के लिए कहा है, जो कल से ही अपने काम पर लग जाएंगे। और ये बात सुनते ही रॉय ने चार्ल्स और उसके बच्चों से बचकर रहने के लिए कहता है, क्योंकि वो बहुत ही अजीब है। वहीं अब जब रॉय ये सब बातें कर रहा होता है, तो वहाँ मैरी आ जाती है, जो रॉय को डर कर वहाँ से जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो इन्हें बिना किसी बात के डरा रहा था। अब रॉय के जाने के बाद मैरी माया से अकेले में
उन्हीं रेड कैप्स के बारे में जिक्र करते हुए सवाल करती है कि क्या वो उसके कहे मुताबिक उन्हें खाना दे रही है, जिसके जवाब में माया कहती कि वो भूल गई थी पर आज से वो उन्हें जरूर खाना देगी, क्योंकि मैरी ने उनसे कहा था कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो रेडहेड्स बाहर निकलकर खुद से इंसानों का शिकार करना शुरू कर देंगे जिसमें वो और उसका पति भी शामिल हो सकते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि पहले से ही माया एक ऐसे हादसे को झेल चुकी थी, इसलिए उसकी दहशत की वजह से वो रेड कैप्स को रोज मार देने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम रॉय को उसके घर जाते हुए देखते हैं, जिसके साथ उसका पालतू कुत्ता भी होता है जो अचानक से जंगल की ओर अंदर की तरफ भाग जाता है, जिसका पीछा करते हुए जब रॉय वहाँ पहुँचता है तो अचानक से कोई अनजान चीज उस पर हमला कर देती है, जिसी के साथ ये सीन यही कट हो जाती है। फिर अगली सुबह जेमी और माया के घर पर चार्ल्स अपने दो बेटों और एक बेटी नेम रॉबर्ट, पीटर और केली के साथ घर के रेनोवेशन के काम करने के लिए आए होते हैं, जो सब सच में काफी अजीब थे क्योंकि वो हर काम अपने मनमानी तरीके से कर रहे होते हैं। फिलहाल जेमी और माया उन्हें नजरअंदाज करके फिर से सामान लेने के लिए दुकान पर जाते हैं, जहां इस बार माया रेड कैप्स को देने के लिए मास्क खरीद लेती है। फिर दोनों साथ में आंट की कब्र के पास जाते हैं, जिनकी आसपास उनके पति और बेटी की कब्रें होती है। इस दौरान बातों ही बातों में फादर इन्हें बताते हैं कि असल में आंट की जो बेटी थी उसकी लाश कभी मिली ही नहीं, इसलिए उन्होंने छोटी सी जगह पर उसकी कब्र बना दी, जो बात सुनकर दोनों को ही काफी अजीब लगता है। और अब इसके बाद जब ये लोग वापस जा रहे होते हैं तो वहीं जंगल की तरफ दोनों देखते हैं कि कुछ लोग वहाँ किसी तरह की तलाश कर रहे हैं, जिन लोगों में मेरी भी थी। वो माया के पूछने पर बताती कि कल से ही रॉय कहीं गायब है, इसलिए उसी को ढूंढने का काम चल रहा है। यहाँ माया मेरी से ये भी सवाल करती है कि उसने आंट की बच्ची के बारे में उससे झूठ क्यों कहा था कि उसकी मौत निमोनिया से हुई थी, जबकि उसकी तो लाश भी नहीं मिली। इसके जवाब में मेरी कहती कि असल में जब आंट के पति की किसी बीमारी के कारण जान जाने वाली थी तो उन्होंने रेड कैप से उनकी जान के बदले अपनी बच्ची का सौदा किया, जिससे हुआ ये कि कुछ समय के लिए आंट के पति की जान तो बच गई लेकिन उस बच्ची को रेड कैप उठा ले गए, जिस कहानी पर ना तो जेमी को ना ही माया को विश्वास होता है। इसके बाद अब वो सीधा घर पहुंचते हैं, जहां केली और पीटर को काम न करते देख जेमी उनसे इसका कारण पूछता है और इस बात पर उनकी बहस हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब माया बाथरूम में होती है तो बाहर खिड़की से रॉबर्ट उसे घूर रहा होता है, जिसे देखते वो तुरंत जेमी को बुलाती है। और जब ये बात चार्ल्स को पता लगती है तो वो रॉबर्ट के इस बर्ताव के लिए दोनों से माफी मांगता है। वहीं रात को जब रेड कैप्स के लिए माया खाना लेकर जाती है तो उसे वहाँ कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है, इसलिए उसका ध्यान भटक जाता है, जिससे अगली पल वो वापस देखती तो किसी ने उसका दिया खाना यानी कि मांस खत्म कर दिया था, जिस कारण वो डर के मारे अंदर भाग जाती है। फिर अगली सुबह चार्ल्स अपने परिवार के साथ फिर से काम पर आ जाता है, जिस दौरान रॉबर्ट से खिड़की का शीशा टूट जाता है और ये देख चार्ल्स उसे बुरी तरह से मारने लगता है। यहाँ माया कर चार्ल्स को ऐसा करने से रोकती है, जिसकी बात मानकर वो रॉबर्ट को छोड़ देता है। फिर कुछ देर बाद माया को हम उसी दरवाजे के पास देखते हैं जहाँ उसने पिछली शाम रेड कैप्स के लिए खाना रखा था। वो अब हिम्मत करके उस दरवाजे को खोलती है, जहाँ उसे बहुत ही खूबसूरत जंगल नजर आता है। साथ ही उसे रॉय के कुत्ते की आवाज भी आ रही थी, जिससे उसे लगता है कि रॉय भी वहाँ होगा, इसे उसे देखने के लिए अंदर चली जाती है। अब यहाँ थोड़ा आगे जाने पर रॉय का कुत्ता मिल जाता है, जो उसे पीछे आने का इशारा करता है और फिर वो माया को एक छोटी सी कुटिया के पास ले आता है, जिसकी अंदर से अजीब सी दुर्गंध आ रही होती है। साथ ही वहाँ काफी सारी इंसानी हड्डियाँ भी पड़ी हुई थी, इसलिए माया उसके अंदर नहीं जाती। और जब वो वापस आ रही होती है तो रास्ते में उसे रॉबर्ट मिल जाता है, जो रो रहा था। वो माया से कहता है कि उसे कोई प्यार नहीं करता और उसके पिता बचपन से उसे इसी तरह मारते आ रहे हैं। जिस बात को सुनकर माया उसे हिम्मत देने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ वो मौका पाकर माया का बलात्कार करने की कोशिश करता है, जिसके साथ ही ये सीन यही कट हो जाती है। अब अगले सीन में माया को उसके घर में सही सलामत देखते हैं, जो काफी डरी हुई लग रही थी, जिसकी इस हालत को देखकर जेमी उससे सवाल करता है कि आखिर उसे क्या हुआ। इसके जवाब में माया कहती कि अगर वो उसे बताएगी तो वो विश्वास नहीं करेगा, इसलिए वो उसे अपने साथ वहाँ को दिखाने के लिए ले जाती है, जहाँ जाकर वो कहती कि यहीं पर रॉबर्ट ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन तभी कुछ छोटी क्रिएचर्स वहाँ कर रॉबर्ट को अपने साथ घसीट ले गए। यहाँ माया की इस कहानी पर जेमी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता,
जिस बात पर इन दोनों में लड़ाई भी हो जाती है। और अब हम जान पाते कि शुरुआत के उस हादसे की वजह से जेमी भी खुद को माफ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उस समय वो अपनी पत्नी को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया था। इसे वो अपने मूड को ठीक करने के लिए यहाँ से सीधा बार में चला जाता है। अब यहाँ उसे पीटर और केली मिलते है, जो अपने भाई रॉबर्ट को ढूंढ रहे होते है। वो जेमी को देखकर उसे रॉबर्ट के बारे में पूछते है, जिस पर अब जेमी लड़खड़ाती हुई आवाज के साथ उनसे कहता है कि उसे उनके भाई के बारे में कुछ नहीं पता। हालांकि पीटर और केली को उस पर शक हो जाता है और उनके कुछ करने से पहले मैरी उन्हें वहाँ से भगा देती है। वहीं दूसरी तरफ हम माया को देखते हैं, जो अब भी काफी डरी हुई थी। और तभी बाहर का दरवाजा भी खुल जाता है, जिसमें से एक छोटा सा क्रीचर अंदर आता है, जो माया के पैरों के पास एक बैग रखकर चला जाता है, जिसकी जाते हुए माया वीडियो बना लेती है। फिर उसके जाने के बाद वो उस बैग को देखती है, जिसके अंदर उसे रॉबर्ट का सिर मिलता है, जिसका साफ मतलब है कि रेड कैप्स ने रॉबर्ट को मार दिया। फिलहाल जब जेमी वापस आता है तो माया उसे सब कुछ बताती है, और जब वो विश्वास नहीं करता तो वो उसे वही बैग और फोन की रिकॉर्डिंग दिखाती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। और इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, वहाँ केली और पीटर चार्ल्स के साथ पहुँच चुके थे, जो जबरदस्ती अंदर घुसाते हैं, क्योंकि उन्हें शक था कि इन्हीं दोनों ने रॉबर्ट के साथ कुछ किया होगा। चार्ल्स अब अंदर आते ही जेमी को पकड़ लेता है, और माया वो केली बाहर भागते हुए देख लेती है, जिसके पास रॉबर्ट के सिर वाला बैग भी था। केली अब उस बैग में अपने भाई के सिर को देखते ही दंग रह जाती है, जो फिर उस बैग को चार्ल्स को दिखाती है, जिसे देखकर वो आग बबूला हो जाता है और फिर पूरे घर में तोड़फोड़ करने के साथ आग भी लगा देता है। फिर वो लोग जेमी को पकड़कर उसे टॉर्चर करने लगते हैं, जो उन्हें बता देता है कि उसने कुछ नहीं किया, बल्कि रॉबर्ट का यह रेड कैप्स ने किया है, जिस बात पर चार्ल्स को विश्वास नहीं होता। वहीं दूसरी ओर माया जाकर उन रेड कैप्स से मदद मांगती है, जिसके बदले में वो उन्हें कुछ भी देने को तैयार थी। इसलिए अब जब चार्ल्स के कहने पर पीटर जेमी को मारने जाता है, तो एक रेड कैप ऊपर से उसके ऊपर कूद कर एक चाकू से उसे घायल कर देता है, जिसे इस तरह देखकर वो और चार्ल्स काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि उन्होंने बचपन में से इनकी कहानियां सुनी थी। हालांकि यहाँ चार्ल्स एक बैट से वार करके उस रेड कैप का काम खत्म कर देता है, और फिर पीटर डर के मारे भाग खड़ा होता है, और फिर उसे कई सारे रेड कैप्स घेर लेते हैं। साथ ही केली ने भी माया को पकड़ लिया था, लेकिन अब उसे ही कई सारे रेड कैप्स पकड़ कर उसका पेट फाड़ देते हैं। जहाँ अब हम पहली बार रेड कैप्स को किसी इंसान को खाते हुए देखते हैं, वहीं दूसरी तरफ किसी तरह से रेड कैप से बचते हुए पीटर भागने की कोशिश करता है, और चार्ल्स के सामने ही एक रेड कैप उसका गला काट कर उसको मार डालता है। यहाँ अब चार्ल्स एक गन की मदद से सभी रेड कैप्स को मारता जा रहा था, जो उसे अपनी गाड़ी में मिली थी। अब वो अपने बच्चों की मौत से बुरी तरह बौखला चुका था, जिस कारण वो गन को माया की तरफ तान देता है, और इससे पहले वो गोली चलाता रॉय का कुत्ता आकर उसकी गन नीचे देता है, जो माया की अब हाथ लग चुकी थी, जो वह बिना देरी के चार्ल्स को शूट कर देती है। और अब इसके बाद वो काफी मुश्किलों के साथ एक बच्ची को जन्म देते हैं, जिससे वो और जेमी काफी खुश भी थे, क्योंकि यह खतरा टल भी चुका था। जेमी अब अपनी गाड़ी साफ करने चला जाता है, बाकी सभी की लाशों को तो रेड कैप पहले ही वहाँ से घसीट कर ले जा चुके थे। जिन सबके बीच फिर एक रेड कैप आकर माया की बच्ची को उठा ले जाता है, जिसे वहाँ न देखकर माया समझ जाती है कि ये उन्हीं रेड कैप का काम होगा। इसलिए वो आखिर में उस कुटिया के अंदर प्रवेश कर जाती है, जहाँ वो एक अजीब सी औरत को देखती है, जिसके पास उसकी बच्ची रखी हुई थी। और अब माया को ये समझते देर नहीं लगती कि ये अजीब औरत असल में आंट की बेटी है, जिसे सबने मरा हुआ मान लिया था, और इस वक्त वो रेड कैप्स की रानी है, जो फिर सभी रेड कैप्स को माया को मारने का आदेश देती है। लेकिन माया एक चाकू की मदद से रेड कैप को मारने के साथ उस औरत की आंखें फोड़ देती है, जिससे उस औरत की भी मौत हो जाती है। और ये मंजर देख सभी रेड कैप उसके सामने घुटने टेक देते हैं, क्योंकि उसने उनकी रानी को मारा था, यानी कि अब वो उनकी रानी हो गई है। शायद यही कारण था कि सभी रेड कैप उसे मदर रेड कैप कहकर बुलाने लगते हैं। आप मूवी के आखिरी सीन में हम माया को वो बच्ची जेमी के हाथों सौंपते हुए देखते हैं, यानी कि अब वो अपनी बच्ची की जगह रेड कैप्स के साथ उनकी रानी बनकर उनके बीच रहेगी। वहीं हम सभी रेड कैप्स को उसके इर्द गिर्द खुशी से नाचते हुए देखते हैं, जो सब वहाँ खड़ा जेमी चुपचाप देखता रह जाता है। डीसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है।